बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं बर्ड्स केयर चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वसीम अहमद। कप्तान जी की तरफ हाजिर हुए हैं और हसबे ममूल जाल में एक बहुत बड़ी तादाद कबूतरों की मौजूद। और कप्तान जी इसकी तरफ चलते हैं, कबूतरों के साथ चलता रहता सिलसिला। अब कप्तान जी की तरफ चलते हैं, पूछते हैं क्या हाल है। मौसम काफ़ी गहर हुआ हुआ है और क्या सूरत हाल है और कौन कौन से कबूतर ने पकड़े हैं आज या नहीं। जो सूरत हाल था, अभी कबूतर का आया था लेकिन वो काबू नहीं आ पाया। चलते हैं कप्तान जी की तरफ, टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को शॉर्ट करते हैं और कप्तान जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है वसीम भाई, ठीक ठाक जी? कप्तान जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं, आप बताएं। जी जी कप्तान जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। बस आजकल वसीम भाई वो क्राइसिस में ये दिन गुजर रहे हैं। तो जी जी, कुछ वो पीछे पानी भर गया था, कबूतर मर गए हैं काफी सारे। जी जी, और उसके बाद में जरा अपनी भी तबीयत ठीक नहीं है, आईज वगैरह चेकअप मैं करवा रहा हूँ। जी जी, एक आप लोगों के लिए मैं स्पेशल मैं दुआ करता हूँ यार, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे और जो हमारी मदद करते हैं गायब से उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल से मैंने पहले बताया था कि मेरी आईज सही नहीं है। जी जी जी, तो एक है हाफज साहब हैं मियो हॉस्पिटल में, माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोस्ट पर लगे हुए हैं। जी जी, उनका फ़ोन आया, मैं जानता भी नहीं था गायबाना उनको, तो उन्होंने कहा कि जी आप कप्तान बोल रहे हैं? मैंने कहा जी हाँ मैं कप्तान बोल रहा हूँ। कह रहे यार मैं मियो हॉस्पिटल में MS जो है ना उसके मैं PA हूँ। अच्छा, तो आप मुझे आकर मिलें। तो यार वो उनकी मेहरबानी है, आप लोगों की भी मेहरबानी है, आपकी YouTube की वजह से उनका हमसे रابطہ हुआ है। अल्लाह उनको भी जजाए खैर दे, अल्लाह आपको भी जजाए खैर दे, हम तो दुआई कर सकते हैं आप लोगों के लिए। जी जी बता जी। तो वो फिर उसने ना मेरे 5-6 टेस्ट करवाए हैं। अच्छा, हाँ खुद लेकर गए हैं और अपीर को बुलाया, उन्होंने 1-2 टेस्ट और हैं वो। अच्छा, भी उन्होंने करवाने हैं। चलो अल्लाह पाक करे जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी उन लोगों की और हमारे देखने वाले अंदरून मुल्क बहरून मुल्क में जो हैं जितने भी लोग, बहुत यानी कि मैं कहता हूँ कि यार बहुत अच्छे लोग हैं बहरून मुल्क वाले। अल्लाह उनको सेहत दे, तंदरुस्ती दे, अल्लाह उनको अपने हफ्ज़ो ईमान में रखे, अल्लाह ताला उनको इतना दे इतना दे कि वो जिस मकसद के लिए गए उनका रिज़्क का ख़जाना भरा रहे। हमारी तो दुआएं होती है यार, हमने कुछ किसी से ले नहीं लेना होता है, तो बस हम तो दोस्तों से यही एक इल्तमास करते हैं कि यार अपने छोटे बड़ों का अदब किया करो, छोटों से भी शफ़क़त से पेश आया करो। और दूसरे ये कि कबूतरबाजी तो एक अलहदा मैटर है, ये नहीं कि कबूतरबाजी में तुम अपना छोटे बड़े की तमीज़ ही छोड़ दो। कबूतरबाजी तो एक अब तो बड़ा जिद्दत इख्तियार कर गया है जब से ये पतंगबाजी बंद हुई है। जी जी, सही है, सही है। लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि नमाज का अहतमाम किया करो यार, अपना ख्याल रखा करो, अपने दोस्तों का ख्याल रखा करो, कोई किसी के से कोई गुस्साखी वगैरह हो जाया करे उसके ऊपर उसको माफ़ कर दिया करो। माफ़ करने वाली ज़ात अल्लाह की है, अगर हम अपने किसी दोस्त से को माफ़ कर दें तो इससे बड़ापन कोई नहीं होगा। तो वसीम भाई आपको एक मैं मेरे भाई हैं, दोस्त हैं जी जी, वो आए हैं वहाँ से अपना कश्मीर से आए हैं, तो मैं उनका आपसे तारुफ कराता हूँ, वो स्पेशल मिलने आए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ कबूतरबाज नहीं है वो। अच्छा अच्छा, तो उनसे आपका मैं तारुफ कराता हूँ। तो उनके बड़े भाई जो है वो भी कश्मीर में रहते हैं जी जी। और ये जो यहाँ है ना ये शादबाग से आए आप तो, और यहाँ ये भी हॉस्पिटल में ही होते हैं। अच्छा, इन्होंने भी मुझे बड़ा कहा कि कोई काम हो तो किसी किस्म का आप हमें बताएं, हम हाजिर हैं। सही सही, मेडिसिन की भी मैंने करी, अभी तो एक जगह वो प्रोटोकॉल मिल रहा है, अल्लाह वाली से कामयाबी दे दे। चले, तो ये भाई हैं हमारे दोस्त हैं। आए जी, आए भाई, आए। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, कैसे हैं आप? भाई अपना तारुफ कराइएगा। मेरा नाम इमरान अहमद है, मैं लाहौर से हूँ, शादबाग से। जी जी, मेरे भाई वहाँ पे कश्मीर में आशिक भट्ट साहब। अच्छा, मैं बिलक बताऊँ इमरान साहब के पास ना। अच्छा, इससे मिलने के लिए। सही सही सही, और सब खैरियत है सर आपकी? आप तशरीफ़ अवरी का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम से हमें टाइम दिया, और आपके कज़न का भी बहुत शुक्रिया जी। कप्तान जी क्या कहेंगे इनके बारे में? कप्तान जी माशाल्लाह ये अपना हेल्थ डिपार्टमेंट में होते हैं। अच्छा, तो और इनके भाई को आपके चैनल्स की वजह से ना, हमारा बर्ड्स केयर चैनल अपना वहाँ भी आप सब्सक्राइब कराइएगा ना भाइयों से भी, तो उनको भी तो मैंने कह दिया था, कह लेंगे यार कश्मीर में जितने भी ग्रुप होंगे ना सबको मैं भी दूंगा। तो उन्होंने ना कोई कबूतरी आपके चैनल पर देखी थी। अच्छा, तो ये कबूतरी वो लेने आए हैं इतनी दूर से। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। तो अब आप इनसे एक दो सवाल करें, मैं इनको कबूतरी जॉब पर जा। जी जी जी, पकड़ना है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं? बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे आपको यार।
ये हमारे अपना वसीम भाई, हमारी शान है ज़ुहेब भाई जी जी। हैं बड़े दिन के बाद पता नहीं नाराज थे या क्या नहीं नाराज क्या होना नाराज और अल्लाह इनकी इनकी बेटी बीमार है। मैं उन फिर सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा उस बच्ची के लिए भी स्पेशल दुआ करें, अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती सेहत जमील अता फरमाए और जो भी बीमार हजरात हैं अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती फिर एक दफा कहूंगा सेहत जमील अनायत फरमाए। आमीन जी। अल्लाह ताला जो भी बीमार घरों में है अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे दे, मेरी दुआ। सही सही सही। मैं ये भाई को जरा कबूतरी, हाँ जी कबूतरी पकड़ दे ताकि उन्होंने फिर जाना है तो फिर देर हो रही है। जी 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 जी। आप ज़ुहेब भाई से जरा, मैं करता हूँ जी। और ये भाई भी आए ना, आपके दूर क्यों खड़े हैं जी? ज़ुहेब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। भाई भी आपसे मिलने हैं, बल्कि कप्तान जी से मिलने आए हैं। हम तो जबरदस्ती बीच में घुसाए हैं। ओ कप्तान जी रामलाल। हाँ जी ज़ुहेब भाई क्या कहेंगे? बस काफी दिन से ना कोशिश कर रहे थे कप्तान जी से मिलने की। जी जी। बस बीच में कोई ना कोई दूसरा, जैसे कप्तान जी ने बताया मेरी छोटी बेटी है उसकी तबीयत नहीं सेट थी, 8-10 दिन हो गए ऑलमोस्ट उस चक्कर में लगे हुए थे। सही सही। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ बेहतर है। चलें अल्लाह पाक सेहत दे दी। बस सब भाइयों से जरा थोड़ी रिक्वेस्ट है कि दुआओं में याद रखिएगा। जी जरूर क्यों नहीं। इमरान भाई आज आप बताएं कि आपको कबूतरबाजी का शौक है? ज्यादा शौक नहीं है। देखें दोस्तों मोहब्बत है कबूतरबाजी से नहीं है, बाकी अपने कजनों से मोहब्बत है और उसके साथ कबूतरबाजी से लगाओ। इस तरह है कि उनके कहने पे वो कप्तान जी से मिलने आ गए, कबूतरी लेने आ गए हैं। इमरान भाई आपका बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ लाए हैं और अपने भाई कज़न के रेफरेंस से आए हैं। तो अभी कप्तान जी कबूतरी लाते हैं और देखते हैं कौन सी कबूतरी आपको उन्होंने मंगवाई है। और देखें जी कप्तान जी पहुँच गए ऊपर, अब कबूतरी ढूंढते हैं कहाँ है, किधर गई, पकड़ के लाते हैं। तो फिर कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। जी कप्तान जी पकड़ ली फिर आखिर? हाँ ये कबूतरी है जी इनके भाई को जो देनी है। जो देनी है सही हो गया। इसका शौक है आंख का इसका भी। अच्छा ले जी आज क्लोजअप चेक करें। जी दोस्तों आज क्लोजअप चेक करें। लाखी मादी काले पल्लों वाली, सुर्ख घाटा और काली दुम है इसकी। ये कबूतर पसंद आया था उन्हें और भाई ये कबूतर लेने के लिए आज़ाद कश्मीर से आए हुए हैं। ये जो दोस्त आए हुए हैं नाम इनका इमरान है और ये कबूतर का आइस क्लोजअप चेक करें। पल्ला भी शो कराते हैं अभी आपको। जी कप्तान जी पल्ले का जरा शो कराएं और ये देखें जी पल्ले का शो कर रहे हैं आपको। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ रहें। कबूतर ये आए हैं कश्मीर से लेने आए हैं। ये इनके भाई की चॉइस है जी जी। ये ज़ुहेब भाई की चॉइस है। ये जो है सही हो गया, सही हो गया। चले ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही हो गया। नहीं जी भाई भी साथ फ़ोन पे आ गए हैं जिनकी फरमाइश पे ये वीडियो बन रही है। आज भी पल्ले चाहिए, देखें जी ठीक हो गया, सही हो गया, सही हो गया। चेक करें जी पल्सर, चेक करें। दें जी ये थैले में डाल। जी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद।